सो गाइस, अगर आपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया था और एटीएम कार्ड अभी तक आपके घर पर नहीं आया है, अभी तक एटीएम कार्ड डिलीवर नहीं हुआ है और एटीएम अप्लाई किए काफ़ी दिन हो गए, जैसे 15 से 20 दिन, एक महीना, दो महीना हो गए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या रीज़न है कि अभी तक आपका एटीएम नहीं आया है। आज के इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और साथ में आप लोग को जो भी इसका मेन फंडा होता है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए और एटीएम ना आने के बाद आप लोग आगे का एक्शन ले सकें। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कुछ बैंकों का, जैसे मेरे भाई लोगों ने एटीएम अप्लाई कर दिया है, एक महीना दो महीना हो गया लेकिन अभी तक एटीएम नहीं आया है, तो इनमें से कुछ बैंक, तो गाइस ऐसे में कुछ बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो और भी ऐसे बैंक है जिनमें अगर मान लीजिए आप बैंक में जा करके एटीएम कार्ड अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो भी आपका एटीएम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे कि जो बैंक के एम्प्लॉई होते हैं लगभग अपने आप को बैंक का बाप ही समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो बैंक का एम्प्लॉई होते हैं, आप लोग तो फॉर्म ले जा करके एटीएम फोटो वोटो लगा करके जमा तो कर देते हो, ठीक है, लेकिन बैंक में होता यह है एक्चुअली में कि वो लोग एटीएम कार्ड को, मतलब एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते ही नहीं हैं, ठीक है। और देखो गाइस, जब तक वो ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक आपका एटीएम कार्ड नहीं बनेगा और आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कि आपने जो फॉर्म दिया था, फॉर्म दे दिया है बैंक में, ठीक है, और बैंक वालों ने फॉर्म अगर मान लीजिए फिल कर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है आपके अकाउंट के साथ, ठीक है। तो देखो, दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है कि अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यहाँ पर ये मैटर करता है कि अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अगर आपने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है तो आपका जो पोस्टमैन है, ठीक है, उसको छोटा सा मैप मिलता है, छोटा सा एरिया मिलता है शहर में, तो जिससे वो ईज़िली आपको, मतलब डिलीवर कर जाएगा आपका एटीएम कार्ड, ठीक है, ईजिली आपको डिलीवर कर देगा। क्योंकि देखो, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप गाँव में हैं, ठीक है, तो गाँव में क्या होता है कि जो पोस्टमैन का एरियाज होता है वो काफ़ी, केवल एटीएम कार्ड जो आपके पास आएगा उस पर आपका नाम लिखा रहेगा, आपके मम्मी या पापा का नाम उस पर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि जो पोस्टमैन होते हैं वो लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ये किसका एटीएम कार्ड है और कहाँ पर जाएगा। तो ऐसे में वो लोग दो काम करते हैं, या तो बैंक में जा करके एटीएम कार्ड को जमा कर देते हैं या फिर एटीएम को दोबारा वो लोग मतलब रिफंड कर देते हैं, कहने का मतलब कि वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एटीएम आज अप्लाई किया है तो आप लोग हफ्ते के अंदर, दो हफ्ते के अंदर जा करके अपने पोस्टमैन से ज़रूर मिलिएगा, जो आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए आपका एटीएम कार्ड डिलीवर करता है, ठीक है, ताकि आपका एटीएम वो वापस न करे और आप लोगों से, आपसे पहचान भी उसका बन जाए, ताकि जब आपके नाम से एटीएम आए तो आपको वो कॉन्टेक्ट करके दे सके, ठीक। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिएगा। और मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि एटीएम कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका एटीएम कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग दोबारा अप्लाई करें, लेकिन दो महीना आप लोग इंतजार कर लें, इसके बाद ही अप्लाई करें। ऐसी ये सिचुएशन हो जाती है अगर मान लीजिए एटीएम कार्ड आपने अप्लाई किया है और एटीएम कार्ड आपके घर तक अभी तक नहीं आया है तो। और आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास एटीएम डिलीवर नहीं हुआ तो आप लोग ज़रूर एक बार बैंक में भी जा करके चेक कीजिएगा, वहाँ पर बाकायदे एक रजिस्टर होता है, अगर जो भी एटीएम कार्ड अगर बैंक में आता है, ठीक है, तो वो रजिस्टर में आपका नाम रहेगा, आप नाम अपना सर्च कीजिएगा और एटीएम आपका एटीएम कार्ड आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप स्टेप कीजिएगा ताकि आप लोग का जो एटीएम कार्ड है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और बहुत ही आसानी से मिल जाए, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एटीएम कार्ड ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए आप लोग यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी चारा इसमें नहीं है। तो आज के इस वीडियो में यही तक, हम लोग मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।